what is going on inside their head. ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, मैंने कुछ किया भी नहीं है। भोपड़ी के माता चौथ पहन के लड़े कांडू मक्की चूत तेरी तख्तों के सौदागर। प्लीज फॉलो माय इंस्टाग्राम। डोरेमोन सच बता, तेरे को कभी शिजुका से प्यार हुआ है? नहीं। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ नेक्स्ट मी। क्या लेकर आ गए भाई? हल्क लिया है तुम तो यार, स्पाइडरमैन भी है। वाह भाई वाह, हल्क दिखाओ जरा। अबे भाई हल्क तो बड़ा खतरनाक है, क्या करता ये? ओ भाई चड्डी उतरती तो मैं क्या करूं? तुम्हें शर्म है कुछ? ये तो बिल्कुल आप पे मिल रहा है, दिखाओ हल्क बन के दिखाओ। चलो ओ भाई पा दिया। नेक्स्ट मी। Ben, am I about to die? Am I about to die, Ben? Yes. दांत क्या फाड़ रहा बे चिपकली की गांड? मर गया माता। खत्म गया। क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे? For this beautiful face, क्यों क्यों है क्यों भाई? जल्दी करो, सब्सक्राइब करो। What are you waiting for? नहीं सब्सक्राइब करो, kill you। उनको भी देख ले, सोना अच्छा। कल इवेंट पे जाने हैं। ओए होए होए, बहुत छोटा। हाँ नहीं नहीं खैर है, मुझे बस एक मैटर दे दे, मुझे इंटरनेट चाहिए बस, बाकी आप मुझे पीछे रोड पे सुला दो, कोई मसला नहीं। पैसे? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। मैं कहे रोड पे सुला दो, जो यहाँ का रेंट है यहाँ का है उसकी जगह। दो करोड़। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? ये देखते व्लॉग आगे देखते। आ जाके उतार दूंगी। क्या क्या बोला तूने? क्या उतार देगी वहां जाके? जैकेट जैकेट मैंने सुना नहीं, कॉन्टेक्ट में भरोसा नहीं मेरे को इसका। कुछ भी उतार देगी जाके कहीं भी। नेक्स्ट मी। एजेंट यार, बंदा सलाम दुआ लेता है, बंदा हाल चाल पूछता है, तुझे पता मैंने लाउड पे लगाया तो वॉइस नोट तेरा लाउड पे चल के क्या कर रहा है? घर की कुंडी पे लगाया कर रहा है इसी तरह। रिबेका नहीं आ रही होती बार। मत याद करवा, तुझे पता है यार उसके साथ क्या था। ऐसी कोई बात नहीं। नेक्स्ट मी। तू पूल खेलता था क्या समय? मैं पूल नहीं खेलता था भाई, कभी मैं स्विमिंग करता था उसमें। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। एक मिनट विशाल, तू लाइन बोलिए। पूल नहीं खेलता था मैं, स्विमिंग करता था। मूड विशाल भाई स्मूथ। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। चल जाके इलाज करो। नेक्स्ट मी। ओए बिल्कुल साफ है। क्या करता है रे तेरी तो? मुझे भी मीठा पानी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? बताओ ना। क्या बताऊंगा? बदल बदल। नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। क्या पागल हो गए क्या? मीठा पानी है ये, चश्मा है, इनको पता नहीं। मुझे तुम्हारा कंपास क्या कह रहा है? चश्मा है मेरा कंपास कह रहा हाँ है। वेब के कंपास पे मुझे यकीन है, पहले भी इसने अच्छी चीज निकाल दी। मैं पागल वागल हो गया। तेरे कंपास ने गलती कर दी। ये क्या किया? गया पैसा बर्बाद। पहन क्या किया? वो सामने केएफसी था, मैं दे रहा था। गजब डूबी बाज आदमी। Please follow my Instagram। लोग हमें ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी भी वजह से खुश हो रहा है तो इस पे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पाबंदी नहीं है, तो ये उलमा इसके खिलाफ क्यों बोलते हैं? भाई खुश होने दो, चाहे वो खुश होने की कोई लॉजिक ना भी हो, तो गम के लिए तो कोई लॉजिक चाहिए होती है, टेंशन के लिए तो लॉजिक बनती है, खुश होने के लिए तो
कोई दलील की जरूरत नहीं है, ये बात बताते खुद ठीक है, लेकिन याद रखें ये जब है जब खुश होने से फायदा हो रहा हो। जब बिला वजह खुश होने से फायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो तो फिर ऐसे मौके पे खुश होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे इज्तिमाई सतह पे कौम का नुकसान होता है। नए साल की खुशी मनाने में नुकसान ये हो रहा है कि आप मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, तो आप अगर अफसोस करते ना जो अब तक माजी आपका गुजरा है, उस अफसोस से इस बात का चांस था कि शायद अगला साल आपका बेहतर हो जाए। यानी आपने जो जिंदगी के चंद साल गुजार दिए उसमें आप अपनी खामियों को तलाश करें और देखें कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमसे गलत हुई हैं, तो उस पर आप निदामत के आंसू बहाएं। निदामत के आंसू बहाने से फायदा यह होगा कि आपका अगला साल पिछले साल से इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा।